काम करने का फैसला बाबा जयराम दास प्रबंध समिति ने किया। मैं बाबा जयराम दास प्रबंध समिति को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना 2 साल पुरानी महामारी हो गई, जब सितंबर में अक्टूबर में कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्स बहनों के लिए नरेंद्र मोदी ने थाली बजवा के उनका अभिनंदन किया, कैलाश कई बार ताली बजवा करके उनका अभिनंदन किया। अपना अनुवाड़िया जो था एक क्रिया और वैक्सीन नहीं बना रहे, नरेंद्र भाई मोदी एक दिन में जब वैक्सीन बन रही थी, जब वैज्ञानिक लगे हुए थे, पुणे में भी उसी दिन गए, हैदराबाद में भी उसी दिन गए और अहमदाबाद में भी उसी दिन गए। एक एक घंटा उस प्रयोगशाला में वृंदर वर्तमान नहीं समझ रही है। तू इतने एक्सीडेंट शामिल नहीं हो, अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, इटली ने किया, जापान ने किया, सब ने किया। फिर भाई लोग भी बोले, बेटा बोलो विदेशों में वैक्सीन क्यों मिलती? मैंने तो नहीं बोला, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब जब आएगा अब्बा जान मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवा ली, तब अंग्रेज भी बोलो भाई ये तो भारत की वैक्सीन है, ये तो हम भी लगवाए। नरेंद्र मोदी इस देश का सौभाग्य है कि ऐसा विजनरी प्राइम मिनिस्टर। हम मंत्रिमंडल में फेरबदल किया, सुरेंद्र नगर गुजरात में है, 2007 के चुनाव में मैं वहां एक विधानसभा है रामगढ़। नरेंद्र भाई मोदी ने 2007 के चुनाव में बहन सोनिया गांधी से कहा था, आप रंग धरा एक बार बोल के दिखा दो, हम मान नहीं। वो बोल नहीं पाई। तो एक डॉक्टर है जिसकी फीस 2 रुपया और वो इतना कामयाब डॉक्टर है, उसकी पर्ची भी 2 रुपये में, दवाई भी उसी 2 रुपये में, उस डॉक्टर को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। और आज ये इतनी बड़ी आबादी का देश बचा हुआ है। मैं डॉक्टर विक्रम को या पाली पीएचसी को, डॉक्टर कपिल को, ये सारी नर्सिस बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इन्होंने अपनी जान अथेली पर रखा। आपकी बेटी डॉक्टर है आशा, आशा के मामा सतीश कुमार कोरोना से चले गए, उनका बेटा हिमांशु भारद्वाज 29 साल का वो चला गया। सतीश के चाचा डॉक्टर राम कुमार ने 87 साल के, उनको पता लगा कि हिमांशु गया तो वो उसमें चले गए। परंतु जो कोरोना वार्ड में काम करते, एक दिन मैं महेंद्रगढ़ कोरोना वार्ड में, तो सभी लोग कहने लगे आप क्यों जा रहे हो, ये डॉक्टर किसी के जाए हुए हैं।
ये वहां पर काम कर रहे थे महाराज, तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। और फिर हम व्यास गद्दी पर बैठ के तो रोज कहते हैं नैनम सिकंती सत्राणी नैनम रहती पाप नैसे कले देन से आपको नैनम सोचते मारू जो कैला स्वामी से आते हुए हमने जिमावे जब हमने आशीर्वाद में कहा कि मेरा आत्मा तो मिठो खोज ली से डरे क्यों मारे ठीक से ना, इसलिए दो तीन बातों की इसको मुक्ता शेठ जी ने कहा ये जो बाबा का डेरा है यहाँ पीने के पानी की दिक्कत रहती है, तो जो अपना वाटर वर्क्स है 87 में जो महमूद हारकंद हो तब ये वाटर वर्क्स पड़ा, तो उस बाबा के दरबार के सामने अपना जो मेन वाटर वर्क्स है पब्लिक हेल्थ के अप्रोच से लेकर के इन अगले दो चार दिन में जो प्रताप सिंह वाड़ी आला तो एक स्टैंड पोस्ट यहाँ तहसील साहब कैलाश ने हर क्षेत्र में आल इन वन है, धर्मा की दुकान काठियावाड़ से सौराष्ट्र से ट्रक चलता है जो बढ़ेगा। अभी एसडीएम साहब से मैं जिक्र कर रहा था कि गांव में पहले अपने डॉक्टरों को मुनादी करेंगे कि कल भाई पाली में वैक्सीनेशन का काम सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगा, पहले पाली के लोगों को जिसको पहली नहीं लगी संतला जी वकील साहब, पहले फर्स्ट वैकेशन दूसरी में जिसको पहली लगी उसको दूसरा हमारी से मेला एक बार तो दूसरी बात में लगेगी, पहले जिनको एक भी नहीं लगी उनको पाली में मालडा में बसई में उड़ाना में आपोदा में इस तरह से विधानसभा के जो बढ़ेगा उनमें एक दिन पहले मुनादी करके ये बताया जाएगा कि कल पाली का वैक्सीनेशन होगा, पहले पाली के सब नागरिकों को 18 साल से ऊपर को, फिर भाइयां ग्वालिया जो इतिया वहां जो बोलो बोलो फ्री वैक्सीनेशन दो। नरेंद्र भाई मोदी ने 17 जून को कहा 21 जून को पूरे हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होगा, 21 जून को पूरे हिंदुस्तान में 86 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होगा, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम, और आज भारत में 36 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं है, अमेरिका की आबादी 36 करोड़ से कम है, इंग्लैंड की आबादी तो 9-10 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी क्या है भाई, सबकी अपनी अपनी राजधानी होती है, हाँ ये सब भी रहता है नहीं लुहारी आबादी जरूरत सब गांव में वैक्सीनेशन करेंगे, पानी का प्रबंध करेंगे, और सुरेंद्र एक प्रस्ताव 2.5 एकड़ जमीन 4 एकड़ यू नहीं मैं नदी में दे दे जो मोदी जी दे रहे हैं यहाँ वाटर वर्क्स है इसके पास है आज ही पंचायत पास करके कैबिनेट तारीखों में दस्तखत करके पूरे पंचायत के उसके पश्चात में निवेदन करूंगा डॉक्टर संदीप जी जो कि डेंटल सर्जन है कि वो आ जाएंगे। डॉक्टर संदीप जी तत्पश्चात में निवेदन करूंगा श्रीमान बिरबाल जी शर्मा से। Thank you.
उसके पश्चात श्रीमान मोहनलाल जी जो कि फार्मेसिस्ट हैं, भाई फोटो खींच लीजिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा फोटो को। श्रीमान मोहनलाल जी, उसके बाद में फतेह सिंह जी एलपी पीएचडब्ल्यू, श्रीमान फतेह सिंह जी का हमारी भारती है श्रीमती नीरज कुमारी, वर्कर है पूरी पीएसएल, पूरे दिन लगी रहती है। श्री बजरंग जी इंफॉर्मेशन, ममता जी श्रीमान अजय पाल जी जो कि हमारे साथी भी हैं, मंदिर कमेटी के वर्कर भी हैं, श्रीमान अजय पाल, श्रीमान कुलदीप जी, माननीय महोदय, इसी कड़ी में हमारे वेटरनरी स्टाफ ने भी पशुओं की पूरी मदद की, जहाँ पर देखा वहीं पर पशु की कोई भी दिक्कत हो वहाँ पर पहुँचे। मैं डॉक्टर कुलदीप जी, सॉरी डॉक्टर कपिल जी से पहुँचाऊँगा, डॉक्टर कपिल जी वीएस हैं